Good morning, class 6th. Okay, now we have already completed our chapter 5, which was understanding elementary shapes. Now we will start our next chapter, which is integers. ओके, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकैप करूंगा पहले जो हमने कुछ चैप्टर्स में पढ़ा है नंबर्स के बारे में, जो हमारे फर्स्ट इनिशियल चैप्टर्स थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर. तो उसमें हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा था, इफ़ यू रिमेंबर, जीरो, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ये हमने पढ़े थे. ओके, तो एक रिकैप करते हैं और उसी के बेस पे समझते हैं कि इंटीजर्स होते क्या हैं. नाउ, ये एक नंबर लाइन है. नंबर लाइन आपको पता है, लेफ्ट में जीरो, देन नंबर बढ़ता जाता है, 9, 10, 11 एंड गोज टिल जब तक नंबर चल रहे हैं. ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें होती हैं. इसमें एक तो होता है जीरो. जीरो कहाँ है? दिस इज जीरो, राइट? ये जीरो है, सिंपल जीरो. ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो हमने पढ़ा था. नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स होते हैं. नंबर्स जो कि जीरो के अलावा हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं. तो ये 1 से लेके 9, 10, 11, 12, 100, 1000, 10,000 लाख, करोड़, अरब, खरब, जहां तक ये नंबर्स जा रहे हैं, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं. नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं होता. नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं होता. नाउ कमिंग टू होल नंबर्स. होल नंबर्स क्या होते हैं? होते तो नेचुरल नंबर्स हैं. जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर. नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जिसमें जीरो भी काउंट होता है. ये आपके हो गए सारे होल नंबर्स. ठीक है, जिसमें जीरो भी है एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब है. अगर होल नंबर्स में से जीरो हटा दूं तो वो नेचुरल नंबर्स बन जाएंगे. ये हमें पता है इतना. अब हम एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं इसके अंदर. देर इज अ नेगेटिव नंबर्स एज वेल. ठीक है, जैसे यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 चलता है, एक उल्टी गिनती चलती है माइनस में. जीरो से कम कौन सा नंबर होता है? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 एंड इट गोज लाइक दिस. जैसे यहाँ पे 0 से 1, 2, 3, 4 ऐसे चलता है, यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4 चलता है लेकिन माइनस में. -1, -2, -3, -4, -5, -6 ऐसे. तो ये जो नंबर्स होते हैं जहाँ से माइनस शुरू होता है, ये कहलाते हैं नेगेटिव इंटीजर्स. ये हो गए नेगेटिव इंटीजर्स. और ये जीरो के इस तरफ वाले जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हैं, या जिसको हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं, ये हो जाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं दैट आर नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स ही पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं. तो ये हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हो गए नेगेटिव इंटीजर्स, और ये हो गया जीरो, जो ना कि पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है. ठीक है, अब ये सारे जो मैंने आपको बताया, नेगेटिव इंटीजर्स प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स प्लस जीरो, ये पूरा जो है, ये दिस होल थिंग, ये जो पूरी चीज है, इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स. ठीक है, ये सारे इंटीजर्स हुए. अब इंटीजर्स में प्लस वाली काउंटिंग भी आती है, माइनस वाली काउंटिंग भी आती है, और जीरो भी आता है. ओके, तो अब मैं आपको कुछ, मैं सवाल पूछता हूं और मैं ही जवाब दूंगा, आप समझना इस चीज को. नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ये इन्हीं को ही हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं. अगर इन पॉजिटिव इंटीजर्स या जो नेचुरल नंबर्स हैं इसमें मैं जीरो मिला दूं तो होल नंबर्स बन जाते हैं. ठीक है, इन होल नंबर्स में मैं अगर नेगेटिव इंटीजर्स जोड़ दूं तो ये पूरे इंटीजर्स बन जाते हैं. ओके, समझ में आया? ये है पूरा कॉन्सेप्ट इंटीजर्स का. इंटीजर्स में केवल 0, 1, 2, 3, 4 नहीं होता, माइनस वाली गिनती भी होती है. तो इन पूरी नंबर लाइन को, इन पूरे नंबर्स को माइनस से लेके जीरो मिला के प्लस वाले नंबर्स भी मिला लें तो ये इंटीजर्स कहलाते हैं. ओके, अब पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स में एक्चुअली क्या फर्क होता है कॉन्सेप्ट्स का, ये सीखते हैं. ये नंबर लाइन बन गई, ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए, ये -1 से नेगेटिव इंटीजर्स आ गए, और ये बीच में जीरो आ गया. ये सारे इंटीजर्स एक नंबर लाइन पे लिखे हुए हैं. लेकिन इंटीजर्स का एक रिवर्स रूल हो जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स में. अब ये कैसे होता है? यहाँ पे मैंने पॉजिटिव इंटीजर का लिखा है 5 एंड 9, ये रहा 5 और ये रहा 9, और इधर मैंने लिखा है -5 और -9, ये रहा -5, ये रहा -9. ओके, अब पॉजिटिव इंटीजर्स में हमें पता है कौन सा बड़ा नंबर है. अगर मैं पूछूं 5 और 9 में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो आपको 2 मिनट पता चल जाएगा 9 बड़ा है. लेकिन जब हम इसको नेगेटिव इंटीजर्स में करते हैं कि 5, -5 और -9 में से कौन बड़ा है, तो -5 -9 से बड़ा होगा. नंबर लाइन तो आप जानते हो,
जीरो से बड़ा वन, वन से बड़ा टू, टू से बड़ा थ्री, थ्री, तो सारे बड़े इस तरफ आते हैं राइट साइड पे। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, -9 से बड़ा -8, -8 से बड़ा -7, उससे बड़ा -6, उससे बड़ा -5, उससे बड़ा -4। गिनती कम हो रही है लेकिन नंबर बढ़ता जा रहा है। -1 -9 से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे उल्टा होता है माइनस में, -5 -9 से बड़ा है। अच्छा मैं पूछूं, पॉजिटिव इंटीजर्स में व्हाट कम्स आफ्टर सिक्स, सिक्स के बाद क्या आता है? सिक्स के बाद आता है सेवन, यह तो हमें पता ही है गिनती में। लेकिन अगर यहाँ पे आऊँ -6 के बाद क्या आता है, तो -6 के बाद -7 नहीं आएगा, -6 के बाद आएगा -5, -6 के बाद आता है -5। ओके, अब व्हाट कम्स बिफोर, टू से पहले क्या आता है? टू से पहले यहाँ पे तो वन आता है। अब यहाँ पे -2 है, -2 से पहले क्या आता है? -2 से पहले वन या -1 नहीं आता, यहाँ पे पहले -3 आता है। ओके, सक्सेसर ऑफ सेवन, सेवन का सक्सेसर मतलब सेवन से एक बड़ा क्या? सेवन से एक बड़ा 8। अब यहाँ पे -7 से एक बड़ा, -7 से एक बड़ा -6। नंबर तो छोटा है लेकिन माइनस है तो ये बड़ा कहलाएगा। ओके, प्रिडेसेसर मतलब एक पीछे, फाइव से एक पीछे कौन? फोर। लेकिन -5 से एक पीछे कौन? -6, ठीक है, -6। -5 से पीछे -6 आता है, ठीक है, -5 से पीछे -6 और उसका आगे -4। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि माइनस में सारी चीजें उल्टी हो जाती हैं, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, आगे वाला मतलब पीछे वाला नंबर, पीछे पूछो तो आगे वाला नंबर। ये आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ये आ जाएगी, और इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस हैं जो मैं आपको असाइनमेंट्स में दूंगा। अच्छा, माइनस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं रोजमर्रा में जो हम माइनस में कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं माइनस में, जैसे कि टेम्परेचर। टेम्परेचर राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ी, उसका टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस हो गया, मतलब बहुत गर्मी है, ठीक है। अच्छा, अब बोलते हैं मनाली में बहुत ज़बरदस्त ठंड पड़ रही है, या सियाचिन में बहुत ठंड पड़ रही है, वहाँ का -19 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, वहाँ पे बिलो ज़ीरो है, बर्फ़ गिर रही है वहाँ पे। तो ये माइनस क्या, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 40 डिग्री 0 से 48 डिग्री ऊपर, और ये -90 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ 0 डिग्री से -19 डिग्री, मतलब ठंड, एक्सट्रीम ठंड, ठीक है। और हम कैलकुलेट करते हैं जैसे सी लेवल, समुद्र की लेवल। एक समुद्र की लेवल होती है जिसके बेस पे हम सारी चीज़ें नापते हैं। ओके, तो अगर मैं बोलूँ माउंट आबू, माउंट आबू एक पहाड़ है, राजस्थान और गुजरात के टॉप मतलब हिल स्टेशन है, तो उसकी हाइट कितनी है कैसे पता करते हैं? तो सी लेवल से होता है, समुद्र की जो लेवल है उससे माउंट आबू कितना ऊपर है। तो समुद्र से माउंट आबू इज 2,200 मीटर अबाव सी लेवल, मतलब सी लेवल से प्लस 22 मीटर ऊपर है, ठीक है। अब एक टाइटैनिक शिप है जो समुद्र के अंदर डूबी हुई है, अब मैं पूछूं कि टाइटैनिक समुद्र सी लेवल से कहां पर है, तो बोलेंगे टाइटैनिक 4,570 मीटर्स बिलो सी लेवल, मतलब सी लेवल से बिल्कुल नीचे। ये होता है समुद्र, समझ करो ये समुद्र है, ठीक है। ये लैंड है यहाँ पे, ये लैंड आ गई यहाँ पे, यहाँ पे माउंट है, यहाँ पे पहाड़ है, ठीक है। और ये समुद्र के अंदर चले गए हम, ये समुद्र है, ठीक है। और यहाँ पे एक बोट डूबी हुई पड़ी है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ ऊंचा +1,000 मीटर्स, ये समुद्र लेवल से नीचे -1,000 मीटर्स, ठीक है। और ये सी लेवल को क्या माना हमने? जीरो, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो अगर मैं बोलूं कि टाइटैनिक समुद्र के अंदर डूबी पड़ी है और वो है 4,570 मीटर्स बिलो सी लेवल, उसका मतलब हुआ -4,570 मीटर्स पे वो शिप डूब के बैठी हुई है, समझ में आया, ठीक है। और किस में माइनस यूज होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में होता है, ठीक है। मैंने एक बिजनेस खोला, मैंने वहां पे मैंने 1 लाख रुपीज डाले, ठीक है। मेरे को बाद में 1 महीने बाद 1,60,000 रुपीज मिले, तो मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ? +60,000, 60,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ मुझे। अब मैंने एक बिजनेस खोला, 1 लाख रुपीज डाले और उसमें 20,000 का लॉस हो गया, मतलब -20,000 हो गए मेरे। तो यहाँ पे फिर देखो हमने माइनस यूज किया, -20,000 बिजनेस में मेरे को -20,000 का फिगर आया, मतलब आपको 20,000 का लॉस हो गया, ठीक। अब और माइनस कहाँ यूज होता है, और एग्जांपल बताता हूँ। लैप रेस, कार की रेस होती है या बाइक रेसेस होती हैं, ठीक है। ऐसे गोल सर्किट होता है,
बाइक यहाँ से शुरू करती है, यहाँ से भागते हुए आते हैं, यूँ गोल घूम के वापस इसी पॉइंट पे, और ऐसा उनको 2 या 3 बार करना पड़ता है, ठीक है। तो सपोज करो पहली बार कार निकली, उसको लैप कहते हैं, ये एक लैप होता है, एक लैप फिर वापस घूमेगी, दूसरा लैप, तीसरा लैप, चौथा लैप। तो एक लैप में एक कार ने पूरा इसको लैप खत्म करने में लगाए, सॉरी 13 सेकेंड्स, 13 मिनट्स 20 सेकेंड्स, ठीक है, 13 मिनट्स 20 सेकेंड्स में इसने पूरा ये लैप कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब जब दूसरा लैप वापस से यहां पे पहुंचा और वापस से घूम के वापस गया, तो इस बार उसे कितने कितने लगे, 13 मिनट्स 5 सेकेंड्स ओनली, पहले से 15 सेकेंड कम, ठीक है। तो इसी तरीके से रेसिंग में कैलकुलेशन होती है, पहले लैप का कोई भी वो नहीं आता, रिकॉर्ड नहीं आता, जैसे ही पहला लैप कोई गाड़ी कंप्लीट करती है वहां पे जीरो से स्टार्ट करते हैं, और फिर देखते हैं इस नंबर से कि इस नंबर से कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है और कम टाइम ले रहा है। अगर उसने 15 सेकंड कम लिए मतलब वो तेज चल रहा है, अगर उसने 15 सेकंड ज़्यादा लिए तो मतलब 13:20 की जगह उसने 13:35 सेकंड्स ले लिए इस बार, तो मतलब 15 सेकंड ज़्यादा लिए, उसको और लेट हो गया, मतलब इस बार वो धीरे चल रहा है। तो यहाँ पे ये माइनस का इस्तेमाल होता है। और कहाँ होता है माइनस का इस्तेमाल, लिफ्ट्स देखी हैं अपन ने, कभी हम मार्केट गए हों या कभी हम मॉल में गए हों तो उसमें लिफ्ट्स होती हैं, तो लिफ्ट पे क्या कई बार ऐसा लिखा होता है 2-1 ग्राउंड लेवल माइनस बेसमेंट -2 कार पार्किंग, मतलब कि ये एक बिल्डिंग है पूरी, ये मॉल है समझ लो, ये मॉल का गेट है, ठीक है, ये हो गया उसका ग्राउंड लेवल, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, और बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट में यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होती हैं, यहाँ पे 4 व्हीलर पार्क होते हैं और यहाँ पे स्कूटर पार्क करते हैं नीचे, बिल्डिंग के नीचे अंडरग्राउंड जमीन के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया -1, ये हो गया -2, -1 पे गाड़ियां पार्क हो रही हैं, -2 पे बाइक्स पार्क हो रही हैं, ग्राउंड फ्लोर से लोग आ रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे कुछ बच्चों का सामान है, सेकंड फ्लोर पे बड़ों का सामान है, ऐसे। तो यहाँ पे हम माइनस यूज करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो ऐसे कॉन्सेप्ट है टेम्परेचर, सी लेवल, लैप के, क्लिफ के, और ये जो मैंने आपको पूरा बताया इंटीजर्स के, माइनस प्लस कौन किससे बड़ा होगा, इसी बेस पे आपको कुछ डू दिस एक्सरसाइजेस करनी है। एक एक्सरसाइज करने से पहले पहले हम प्रैक्टिस करेंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू, ऑन पेज नंबर 114 देर इज अ एक्सरसाइज डू दिस, जो कि ये रही, मैं आपको दिखाता जाता हूँ, ये एक डू दिस एक्सरसाइज है पेज नंबर 114 पे, ये ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है और ये आपको 4 क्वेश्चंस के आपको जवाब देने हैं। सेकंड एक्सरसाइज आपकी पेज नंबर 115 पे है, ये आपको पढ़ना है, ये आपको जवाब देने हैं, ये 2 चार्ट्स जो हैं ये आपको उस हिसाब से फिल करने हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू पेज नंबर 16 में आपको ये ट्राई करना है, ठीक है, ये आप पढ़ते जाओगे और ये आपको कॉपी में करना है। ट्राई दिस, राइट दी फॉलोइंग नंबर्स इन दी अप्रोप्रिएट साइन, साइन बताना है। जैसे मैंने आपको बताया ना 100 मीटर बिलो सी लेवल का मतलब क्या हुआ, बिलो का मतलब क्या हुआ, प्लस लगेगा माइनस लगेगा। अब मैं पूछूं 25 सेंटीग्रेड अबाव 0 टेम्परेचर एंड 15 डिग्री बिलो टेम्परेचर, तो किस में प्लस लगेगा किस में माइनस लगेगा, ठीक है। एनी 5 नंबर लेस देन 0, 0 से कम 5 नंबर आपको बताने हैं, तो ये वाला ट्राई दिस आपको करना है। और उसके बाद कमिंग टू पेज नंबर 119 जहां पे ये वाला ट्राई दिस आपको करना है, पेज नंबर 119 पे ये वाला ट्राई दिस आपको करना है। इसमें आपको बताना है कौन सा नंबर बड़ा है, -1 या -15 में से कौन बड़ा है, 11-15 में से कौन बड़ा है, -22 में से कौन बड़ा है। एंड ये आपको जो मैंने आपको ये पहला कॉन्सेप्ट बताया कि इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, उसके बेस पे आपको ये वाला पार्ट करना है। सो दीज आर 4 थिंग्स दैट यू हैव टू डू, और यही आपका असाइनमेंट है कल का। तो आप ये असाइनमेंट करिए, ये चारों डू दिस एंड ट्राई दिस करके आप मुझे भेजिए, देन वी विल मूव टू आर एक्सरसाइज विच इज 6.1। ओके, सो टुडेज असाइनमेंट इज ये 4, आपको 2 डू दिस और 2 ट्राई दिस आपको करके सबमिट कराने हैं। ओके क्लास, थैंक यू।